गुड मॉर्निंग, इट इज ऑलमोस्ट 8:30 AM हियर इन पुणे। वेलकम टू ब्लॉग सीरीज विद मी, दैट इज तन्वी। हम जा रहे हैं हिंजेवाड़ी फ्रॉम विमान नगर, दैट इज ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स। इट्स गोना बी एन आवर्स ड्राइव। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की ये है कि आई एम गोना मीट समवन हु इज माय कोच इन फिटर। शी इज सरीना पनी। वो मुझे देखेगी और चप्पल से मारेगी, बोलेगी ये लड़की ने कुछ ढंग से वर्कआउट नहीं किया है इतने टाइम से। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू सर दैट यू आर नॉट एंटायरली रॉन्ग एंड आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम गोना गिव यू द एक्सक्यूज मेजॉरिटी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। यार टाइम नहीं मिलता यार इतने अच्छे से, बट वी डू मैनेज आवर स्टेप्स एंड वी डू मैनेज व्हाट वी ईट एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट वांट टू गो टॉक टू हर अबाउट हाउ शी मैनेजेस हर रूटीन, हाउ शी डज एवरीथिंग दैट शी डज, एंड शी लुक्स द वे शी लुक्स। ओ आल्सो वी आर गोना वर्क आउट टुडे, यू आर गोना सी हाउ शी बीट्स माय एस। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट यू माइट लुक फॉरवर्ड टू। Stick to this vlog because it's going to be lots of fun and lots of pita is going to happen in this very vlog. Chalo. I think unke dog ko pata chal gaya main aa gayi. Hello. Hello. Hi. Wow. Oh hello. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी इट्स ऑलमोस्ट 10:20 एंड इट्स सरीनाज ब्रेकफास्ट टाइम एंड गूफीज ब्रेकफास्ट टाइम आल्सो। क्या कर रहे हो, ये गूफी के लिए बना रहे हो? नहीं, ये गूफी का ट्रीट है उसको शांत करने के लिए। उसका सॉसेज, चिकन सॉसेज। सॉसेज खाओगे? व्हाट इज दिस? चिल्ला ओट्स पैनकेक। ओह दिस इज ओट्स एग पैनकेक। Is this your normal breakfast? Yes. This is for you and your dear husband? Okay, this is only for you. Only for me. और इसमें है oats, 60 grams oats हैं, 5-6 eggs हैं, उसमें एक hole है और एक hole है और बाकी whites हैं, और फिर one banana and butter 2 grams. 2 grams? हाँ, 2 grams butter में बन जाता है। बन जाता है? हाँ. Sugar free, cinnamon powder. Are you a good cook? No. तो आपका मॉर्निंग होता है 430 कैलोरीज यूजुअली। किसको शादी किया इन्होंने? कौन सा नमूना पकड़ा है? देयर इज अ कैट हियर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जो। जो? जो गूफी। गूफी और एक है एमा। एमा? सच इंग्लिश नेम्स। मैंने सोचा जब मेरा कुत्ता होगा उसका नाम कुल्फी रखूंगी। तो इसको छाछ रखूंगी। मेरी मेड इसको बोलती है गोपी। गोपी को गोपी बोलती है। ये आपने किया सब गार्डन वार्डन? किया तो हमने है, मेंटेन हमारी मेड करती है। सिट। Going to sit here. तो जब मैं पहली बार फिटर में आई थी, like just join हुई थी, I didn't even know about her, लेकिन I used to always hear about her. मतलब तुमको अच्छा body चाहिए ना, सरीना से training करवाना रहा, तुम सरीना से training क्यों नहीं करवाती? So I had heard about सरीना 2-3 साल पहले ही before I met you. Yes. I just want to say that you're an inspiration to a lot of us. Thank you. Thank you for that. ये मैंने सब बोल दिया ताकि जिम में बस का मार थोड़ा हो गया मेरा, कम हो जाए, कम हो जाएगा। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम उड़ीसा, भुवनेश्वर। तो आप वहाँ पर एजुकेशन वगैरह सारा वहाँ पे? आई डिड माय इंजीनियरिंग टिल देयर और फिर मेरा कैंपस। आप इंजीनियर हो? यस। मैं कितने फिटर कोचेस से मिल रही हूँ जो इंजीनियर्स है। तो आप भुवनेश्वर से यू बिकेम एन इंजीनियर? यस। फिर क्या हुआ? फिर मैं इंफोसिस में प्लेस्ड हो गई। आई वेंट टू मैसूर फॉर माई ट्रेनिंग 6 months के लिए और फिर मैं पुणे आ गई। मेरा जो पोस्टिंग था वो पुणे में हो गया। अच्छा। आई वर्क्ड इन आईटी फॉर 7.5 इयर्स। अरे 7 साल आप आईटी में थे? यस। हाउ कैन दिस पर्सन वर्क? आई यूज्ड टू, फिर करते करते ऐसा हो गया कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, टाइम नहीं मिलता। और मैंने तब ऐसा था कि खाने का कोई टाइम नहीं था,
वो वेंडिंग मशीन में जो मिलता था वही खाते थे. आप मोटे हो गए थे तब की? यू वर अ स्किनी किड. व्हाट आई वाज ऑलवेज अ हेल्दीर किड. ओके. घर पे मम्मी का प्यार जितना था उस खा खा के ऐसे हो गए थे. आई जॉइन इंफोसिस, कुछ और ऑप्शन नहीं था तो मैं सिर्फ फ्रूट सैलड और अंडे खाती थी. ओके. मुझे तब अपना डाइट का कुछ पता नहीं था और इतना वॉक होता था कि मैं एकदम बहुत ज्यादा पतली हो गई थी. और तब मुझे अच्छा लगता था कि अरे मैं पतली हो गई हूँ, करीना कपूर का तो साइज जीरो तब फैशन है, छलिया छलिया दिख के पतली हो गई. छलिया छलिया कर रहे थे आप. लेकिन मैं अंडर वेट हो गई. मतलब इतना ज्यादा कमजोरी हो गया कि मैं बैठ के उठते ना तो सब ब्लैकआउट हो जाता था. बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जर्नी होती है, मतलब वो अनहेल्दी वे में थिन हो जाते हैं, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, फिर मसल गेन करते हैं एंड देन दे गो ऑन विद देयर लाइव्स. लेकिन यू सॉर्ट ऑफ टुक इट टू अनदर लेवल. और आप मतलब अभी इतने मैं अंदर देखे, इतने प्राइजेस हैं, यू शी वाज अ मिसेस इंडिया आल्सो. तो मतलब उस वो लेवल ऑफ पैशन को पहुंचने के लिए यू मस्ट हैव अ सॉलिड रीजन. तो वो क्या था? देखो पहले तो हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं तो हमको एक ही चीज़ मम्मी पापा बोलते हैं कि हम मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो. तो वो एकदम कूट कूट के भर गया था बॉडी में. तो वो चीज़ मेरा रिफ्लेक्ट हुआ मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर में. तो मेरे को जब पसंद आने लगा कि नहीं आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स, आई स्टार्टेड एंजॉइंग लिफ्टिंग वेट्स, तो वो पैशन बन गया. फिजिक बदलती गई, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग एंड आई स्टार्टेड विद पावर लिफ्टिंग फर्स्ट. फिर धीरे धीरे मुझे जब मैं INFS करने लगी, फिटर का मेरी सब पढ़ने लगी, कोर्स वगैरह बुक्स पढ़ने लगी, तो मुझे डाइट का भी थोड़ा आइडिया आया. तो वो करते करते थोड़ा बहुत फिजिक बना. देन सम पर्सन सॉ मी और कोच सॉ मी, तो उन्होंने बोला तुम अगर मतलब खुद से इतना अच्छा कर सकते हो फिजिक तो लेट मी गाइड यू एंड लेट सी हाउ इट हैपेंस. और तब तक मैं था कि मैं पावर लिफ्टिंग करूँ कि बॉडी बिल्डिंग करूँ. बट बॉडी बिल्डिंग बहुत फैसिनेटिंग लगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम. बिकिनी एथलीट का कॉस्ट्यूम था एंड द मेकअप एंड फीमेल यूज्ड टू लुक सो ब्यूटीफुल. लोग बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग में फीमेल स्टार्ट लुकिंग लाइक मैन, बट इट हैपेंस इन अदर कैटेगरीज. जो बिकिनी कैटेगरी है उसमें फीमेल आर सो ब्यूटीफुल. आई लव द मेकअप, आई लव द हेयर, उनका कॉस्ट्यूम, वो हील्स, वो देख के मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा. मैंने कहा ठीक है आई कैन ट्राई दिस. फिटर मेरे लाइफ में आया, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट किया. सो दैट वाज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई एवर गॉट एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ. तो उन्होंने बोला कि इस बर्थडे को मैं तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट बर्थडे तक तुम्हारा लेट्स सी इफ यू गेट ऑनबोर्डेड एज अ कोच. बात करना वैसे ही बहुत पसंद है. हाँ. तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुम वैसे ही लोगों के साथ बात करते हो फोन पे, कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, तो ये करो. इससे भी तुमको वही करना पड़ेगा कि यू हैव टू टॉक टू योर क्लाइंट्स, जैसे तुम बाकी लोगों को मोटिवेट करो. बिकॉज आई ऑल्सो हैड अ गुड क्लाइंट बेस इन जुम्बा, तो मैं उनको भी मोटिवेट करती थी. तो वो मुझे बोले कि व्हाई डोंट यू डू इट इन दिस प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, करो. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ट्विटर को मुझसे. माई नेक्स्ट बर्थडे आई यूटिलाइज कोविड का टाइम, बिकॉज कहीं बाहर नहीं जाना रहता था, तो आई यूटिलाइज कोविड का टाइम फॉर दिस माई स्टडीज. वर्कआउट करती थी, पढ़ाई करती थी एंड अपना INFS का करती थी. 2021 में अराउंड ऑगस्ट आई गॉट ऑनबोर्डेड एज अ कोच, August 1st. और आपका बर्थडे कब होता है? July 19 July. That is such a you genuinely took it to heart. Yes. Thank you Mr. Anup ji. Thanks. He can proudly say I made her. Yes. He made her. Yes. Obviously because being from a very middle class family, people don't appreciate after getting married. They will never allow ki aapka daughter-in-law, ki aapki bahu, ki aapki biwi stage pe aise wearing a bikini jaye. And whatever I am is because of his support. अगर मैं मुझे goosebumps आ गए बिकॉज मेरे पेरेंट्स अगर मेरी शादी करवाते वहाँ के किसी लोगों से, आई एम नॉट सेइंग दे ऑल आर लाइक दैट, बट नहीं पॉसिबल हो पाता. बट ही हैज़ अ वेरी ब्रॉड माइंड सेट एंड दैट इज वॉट आई लव्ड अबाउट हिम एंड उनके वजह से मैं बनी. फिर से goosebumps आ गए यार, लड़के नहीं मिल रहे. वॉज देयर अ टाइम जहाँ पर आप सैड थे या यू नो यू वर जस्ट बीटन डाउन बाय द By everything that was happening? Yeah, yeah, definitely. There was a medical condition of my husband, जिसके वजह से he was paralyzed for a week. जब आप एक इंसान को बहुत प्यार करते हो and that person is not able to eat food with his own hand, that was a very sad and disappointing phase of my life, where I just left my job and there was no one with me. तब उस time पे this problem seemed to be very huge for me and I went into depression. I had no interest to live. ऐसा एक point था. And half of the days I don't even remember because of my addiction. So the more I was drinking, the more I was getting inside that infinite loop and ऐसा लगा था I can never come out of it.
ऐसा लग रहा था कि माई लाइफ इज नॉट वर्थ एनीथिंग. हाँ, मुझे लगा कि नहीं, जीने का कोई पॉइंट नहीं है. वो दैट वॉज अ पॉइंट वेर आई थॉट कि आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, आई शुड कम आउट ऑफ दिस, आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस. सो आई वेंट टू जिम, आई जॉइन द जिम. वहाँ पे थोड़े फ्रेंड सर्कल भी बने मेरे, एंड मैंने कहा मैं जाती हूँ, एक घंटा मैं दिन में जाऊँगी, कुछ तो और करके आऊँगी. ये जो मेरा जो रूटीन है ना, इसको अलावा मुझे कुछ और करना है, ब्रेक करना है मुझे इसको. ठीक है, जुम्बा वाज गोइंग ऑन, मेरा लिमिटेड था, एक क्लाइंट था, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन था, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज वो मोनोटोनस हो गया था. आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स एंड मैं देख रही थी कि द डेज व्हेन आई कंज्यूम अल्कोहल आई वुड सी द डे दैट लिफ्ट वर डिफरेंट, एंड जिस दिन मैं कुछ नहीं लेती थी द लिफ्ट वर डिफरेंट. I started loving it. And कब वो addiction छूट गया and something bigger addiction I got. Because I knew that if you are an addict, to break that addiction, you need a bigger addiction. So it became my addiction. And that became my passion. So ऐसे करके मेरी weight training start हुई and now it's been 3-4 years I haven't touched alcohol. Congrats! A lot of people suffer depression, मतलब वो होता है. एंड इन दोज डेज आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, आपको बेड में से उठने की इच्छा नहीं होती है, यू अवॉइड योर फ्रेंड, यू आपको किसी में फोकस नहीं लगता. तो वॉट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? देखो, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी वेर ईदर यू आर गोना ब्रेक और यू गोना मेक समथिंग आउट ऑफ इट. सो आई वॉज ब्रेकिंग डाउन, आई वॉज ब्रेकिंग डाउन, देन आई वॉन्टेड टू चेंज इट. Because I wanted to change it, I wanted to come out of it. So you need to want to come out of it, and strongly you need to want to come out of it. Because everything is in your hands. जब हम depressed होते हैं, that means we are letting something else affect us so much so that हमारा life affect हो जाता है उसके वजह से. आपके life का power आपके हाथ में होना चाहिए. The day you have the remote control of your life, you're gonna change things. Remote control of your life has to be with you. Yes. I like it. I can see your trophies up there. So many trophies. Joe Wider, this is my winners of Women's Bikini Award. And this is my pro card. Pro qualified. IFB ka. Pro wala. IFB pro. This is my gold medal. Ye hai pro card ka trophy. Female and model search, second runner up. Sheru Classic, superb. So I won this gold in Amateur Olympia and the Sheru Classic mein I got second runner-up. So ye iska medal. Oh, wow. Ye hai hamari सरीना पानी की मदर. आपको इनके ऊपर गर्व फील होता है क्योंकि हम इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, तो मतलब बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं आपकी बेटी. ठीक है करे जो करे. ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू. ओके, अभी बज गए हैं 12 और आप क्योंकि आपके बल्किंग फेज में हैं तो आपका अभी कुछ खाने का टाइम है, कुछ क्या है? अभी 1 बजे से पहले आई विल हैव टू कुक माय मील्स एंड देन मैं अपना खाऊंगी. मैं अपना खाऊंगी, तुम देख लो. Give us a break till the cookies made. We will just talk to this young man over here. We will not let him go. मुझे जाने दो. मैंने अभी सरीना की मम्मा को कॉल किया, आपकी सासू माँ, तो मेरे को डर्ट चाहिए थी उनके ऊपर, मतलब आई वांटेड सरीना. हां, लाइक सम डर्ट. या आई एम गोना पुट सम डर्ट इन योर आई. ओके, पिछले 2 साल से तो डेफिनेटली चेंज हर एंटायर रूटीन लाइफ एक्सेप्ट, बट उससे पहले का पूछो उसको. व्हाट वाज शी अप टू 3 इयर्स बैक? What was she up to? कितने लेवल तक जाता है? बोलो ना, कितने बजे उठती थी ये बोल रहे हो? शायद 12-1 बजे, क्योंकि सुबह सोना होता था 4 बजे, पूरा दारू पी के सोती थी. सुबह 12 बजे उठती थी. हाँ. तो दिन में ऑफिस साल ये काफी 1-2 साल चला, बट आफ्टर दैट शी चेंज हर कोर्स एंटायरली. या एंड आई थिंक शी सेड दैट आल्सो कि यू चेंज्ड हर. नो, आई डिड नॉट चेंज हर. बेसिकली इसका देखो कैसा है कि जब तक अंदर से नहीं आता तब तक आदमी कोई चेंज नहीं हो सकता. उसको अंदर से लगा कि हाँ थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो उस हिसाब से उसने जी बेसिकली took step by step on a daily basis, smaller changes here and there. Was it tough on you when she was going through all of this? It was tough on me when she was what she was earlier. Yeah. That time she was kind of unpredictable. Uske mood swings hote the, kabhi khush rehti thi, kabhi dukhi rehti thi. But after she started all this, I think there is a stability in her. Yeah.
आपका क्या माइंडसेट होता है बिफोर गोइंग ऑन स्टेज? स्टेज पे जाने से पहले सबको डर लगता है, इतने सारे लोग देख रहे हैं आपको, जजेस देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ऐसा फीलिंग तो आता ही है, बट यू हैव टू हाइड इट वेरी वेल. द मोर यू हाइड इट द मोर कॉन्फिडेंट यू बी ऑन द स्टेज. वहाँ पे जजिंग होता है तो आपको फर्स्ट 10 to 15 seconds में वो जज कर देते हैं, पता चल जाता है कि इंसान की पोटेंशियल कितनी है. दैट एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर एंटरिंग और आपका इंट्रोडक्शन कैसा हो रहा है. सो आपको यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अंदर से, भले ही कितनी भी पंटी हुई हो, कितना भी डर लगे, बट यू हैव टू जस्ट शो दैट यू आर सुपर कॉन्फिडेंट एंड यू ऑलरेडी नीड टू फील योरसेल्फ एज अ विनर. तो डिड यू लाइक ऑलवेज थिंक कि मैं आज तो जीतने वाली हूँ, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर? स्टेज से पहले ही जाने जब लाइनअप होता है तब आई एम वेरी स्केयर्ड, आई एम वेरी नर्वस. हील्स में चलना है वेरी बिग टास्क, इट इज अ टास्क, इट इज. और वहाँ पे यू आर वेयरिंग अ बिकिनी, हील्स टूट गया, कुछ स्लिप हो गया, तो कॉस्ट्यूम इतना सही, कुछ हो गया, क्या होगा? तो दैट इज वेरी चैलेंजिंग एंड रिस्की एंड आप यू फील नर्वस ऑब्वियसली. स्टेज पे जाते ही आफ्टर टेक अ डीप ब्रेथ, 3 तक गिनती हूँ मैं एंड देन आई वॉक इट एंड आई जस्ट स्माइल, बिकॉज कुछ बिगड़ेगा, कुछ गड़बड़ होगा तो आई नो थिंग्स विल बी हैंडल्ड. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देयर इज नो डायनासोर अराउंड मी कि जो मुझे खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. तो इट्स फाइन, आई मीन एक बार स्टेज पर चढ़ जाओ तो यू फील गुड. सुपर. सो वी विल बी ईटिंग अ लिटिल बिट फूड राइट नाउ, इट्स ऑलमोस्ट 2. हम खाएंगे, उसके बाद हम जिम जाएंगे और फिर हम कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे विद हर. सो लेट्स गो. सो फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं अपनी ट्रेनर के साथ वर्कआउट करूँगी. इट्स क्वाइट अ एक्साइटिंग डे फॉर मी. झूठ भी बोलते हैं आप. और जिम में कोई नहीं है, शी विल हैव ऑल द लिबर्टी टू लाइक किल मी. ऑल द बेस्ट माय वन. सो अभी लेग्स का है तो लेग्स के लिए लेट्स गेट दिस फॉर्म अप. आउट. यस. नाउ कीप योर बॉडी स्ट्रेट. हां. आर यू फीलिंग इट इन योर पेल्विस? प्योर ना? हां. यस. डू दैट. अब गिव मी फ्री स्क्वाट्स 10. यस. इतना फर्क पड़ता है टू वर्कआउट विद समवन हु नोज थिंग्स, इट्स जस्ट सो मच बेटर. या शी इज सो डिफरेंट इन द जिम. लाइक We will do it. चलो अभी यहाँ से वहाँ तक चलना है, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा ही बचा है, दिल्ली दूर नहीं है, थकते नहीं. Four, five, six. Up. Yes. Breathe out. Nice. एक और सेट, एक और सेट करेंगे ना, ब्रेक ले लीजिए. और सेट जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी एक्सरसाइज होता कैसा ये वाला. थकती नहीं. एक पैर ऊपर उठा लीजिए, बेंच के ऊपर, बेंच के ऊपर. मत पदार्थ नहीं होता. लास्ट वन. मैं स्त्री ना, स्त्री आई एम, मेरी स्त्री मतलब कुछ भी. थकती नहीं बोल रही थी कि थकती नहीं. ये देखो मैडम की हालत. अगर आपको बहुत इच्छा है मौत को एक्सपीरियंस करने की, आई वुड हाईली रिकमेंड. बाकी मैं तो ठीक ही रहती हूँ बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन. सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा होकर इसके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए. सरीना ने मुझे इतना परेशान किया है, किसी को बोलना मत, लेकिन अभी उसकी बारी आ चुकी है. तो सरीना आप हमें पोजिंग सिखाने वाले हो, मैंने सुना. मैं आपको जज करूंगी. डन. Full dancing happened.
दैट वॉज माई जिम सेशन विद सरीना फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ. थोड़ा सा एहसास हुआ मौत का, बट आई लव इट. अभी वी आर डूइंग क्यूट थिंग्स एंड इट विल रिमाइंड यू ऑफ योर चाइल्डहुड एंड इट विल रिमाइंड यू टू हैव सम फन इन दिस लाइफ बिकॉज यू ओनली लिव वंस. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो. Trampoline park. I think this is the best way to end this vlog. Let's go. Hi. So we've come to Butterfly Trampoline Park. She wants me to jump and all. The only thing I like about trampoline, ये है कि वो competition नहीं है. I don't like losing and I keep losing all the time. Oh my God. Honestly, इसमें भी मैं खराब हो सकती हूँ, इसकी भी मुझे अपेक्षा नहीं थी. Just look at her, guys. Look at her. आ जाओगी? यहाँ पर भी परफॉर्म करना पड़ेगा क्या यार? Go Sarina! अरे आगे तो बढ़ो. What is this? What is this, madam? What is this? Look at me. Look at me. अरे उठो कैसे इस दलदल से? Guys, I need help. भागो ना! अरे गाइस, सरीना ने जो जिम में किया वो यहाँ पे करने वाली है और हम देखते हैं वो कितनी IFBB प्रो 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 मैक्स है. ओके, दैट वाज पाप का पश्चाताप. मेरे को नहीं पता मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो मेरे को इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब की ट्रेनिंग मिलते जा रही है आज. बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. मतलब मैं पहली बार ट्रैम्पोलिन पार्क आई हूँ और इतना सारा फन हो गया मेरे रेस्ट डे में. अच्छा खासा वर्कआउट हो गया, सर्किट ट्रेनिंग. विल यू रेकमेंड ट्रैम्पोलिन पार्क? यस प्लीज. माय वर्कआउट नाउ? यू कैन, यू कैन. एंड वी आर डन विद ट्रैम्पोलिन सेशन टुडे. हाउ वाज इट? इट वाज अमेजिंग. नाइस कार्डियो, फुल बॉडी वर्कआउट, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर. इट वाज अ नेक्स्ट लेवल एडवेंचर एंड थैंक यू सो मच सरीना, आपके जैसे हम यहाँ पर आए हैं. यू शुड ऑल हैव अ कोच लाइक हर टू लाइक रीइन्वेंट फिटनेस फॉर ऑल ऑफ अस. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड बॉन्डिंग एक्सरसाइज ऑल्सो. मुझे ऐसा लगता है भरोसा बढ़ता है, भरोसा बढ़ गया हमारा एक दूसरे पर. सो दिस लास्ट थेरेपी हो गया. इतना तो हम गिरे हैं और इतना तो हम हंसे हैं और इतना तो दुख हुआ है और इतना तो उड़े हैं हवा में. दैट यू विल सी इन द आई मीन यू मस्ट हैव सीन इन द व्लॉग कितनी हमारी बेइज्जती हुई है. बट ओवरऑल इट वाज अ 10 ऑन 10 एक्सपीरियंस. दिस डे वाज अ 10 ऑन 10 एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस व्लॉग एज मच एज वी लव फिल्मिंग इट. ऐसी आप फिट रहिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए. वी लव यू. द फिटर लव्स यू. अब बस हो गया, व्लॉग खत्म गाइस. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स.